अच्छा जी, आई होप कि ये बुक आप सब लोगों को ग्रुप में मिल गई होगी। इसका नाम क्या है? वॉइस एप्लीकेशन फॉर अलेक्सा एंड गूगल, गूगल असिस्टेंट। अच्छा यार, बल्कि इस पेज का मैं ये दिखा दूँ, ये है भाई बुक। अच्छा, ज़रा पुरानी बुक है ये, और ये बुक आउट ऑफ डेट हो गई है। कोर्स मैं अब नहीं पढ़ाता मैं ये बुक, लेकिन इसमें कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ना। तो आ जाते हैं हम इस बुक के पहले चैप्टर के ऊपर। पहला चैप्टर जो ये बात करें ना, वॉइस फर्स्ट के ऊपर बात करेंगे। ये वॉइस फर्स्ट क्या भला है? तो मैं आपको ज़रा इसकी थोड़ी सी बता दूँ हिस्ट्री, की क्या चक्कर है, ये फर्स्ट वाला वर्ड कहाँ से आया। असल में जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया ना, तो उस वक्त तो वेबसाइट बनती थी, जो तो वो बनती थी कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन के लिए ना, या जिसको आप डेस्कटॉप स्क्रीन कह सकते हैं या लैपटॉप स्क्रीन कह सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन के लिए बनती थी एक्चुअली। उसके बाद थोड़े दिनों में क्या हुआ कि यार स्मार्टफोन का बूम आ गया। ठीक है, आपका ये जो स्मार्टफोन जो आना शुरू हुए हैं, वो काइंड ऑफ 2002-2004 तक ही आना शुरू हो गए थे। लेकिन उस वक्त के काइंड ऑफ जो, मतलब उस वक्त जिन फ़ोनों को स्मार्टफोन बोला जाता था, वो एक्चुअली शायद इतने कैपेबल नहीं थे। लेकिन फिर जब 2007 में आईफोन 3 लॉन्च हुआ, जब 3G पता नहीं 3S पता नहीं जो भी नाम था उसका, तो जब वो लॉन्च हुआ ना, तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम कर दिया। उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि उन्होंने कर दिया फुल टच स्क्रीन। इससे पहले के जितने भी फ़ोन थे, वो कोई भी फुल टच स्क्रीन नहीं थे। ठीक है, और वो बटन वटन वाले होते थे उसके अंदर। अगर मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ एक दो उसमें से फ़ोटो, जैसे एक N95 एक बड़ा फेमस फ़ोन था उस ज़माने का। अरे भाई, नोकिया, नोकिया N95। ठीक है, तो कुछ इस तरह के होते थे ना। तो या तो ये होते थे, ये टच स्क्रीन वाला नहीं है, ये इसमें टच स्क्रीन नहीं था, तो इसमें बटन्स होते थे। तो ये बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन, वन ऑफ दोज फ़ोन्स था जो बड़ी स्क्रीन वाले होते थे। अच्छा, या इसी तरह जो वो ई सीरीज़ थी हमारे पास, एक ई सीरीज़ लिखूंगा क्योंकि मुझे किसी स्पेसिफिक फ़ोन का ये वाला। तो ये इस तरह के फ़ोन आना शुरू हो गए थे। तो इसको जो है ना, उस वक्त स्मार्टफोन बोला जाता था ना, 2002-2003 के अराउंड, 2004 के अराउंड। ठीक है, इसमें कुछ फ़ोन ऐसे होते थे जो टच एंड टाइप होते थे, उसके अंदर टच भी होता था और जैसे कि ये वाला फ़ोन। ये तो खैर काफ़ी लेटेस्ट वाला वर्जन है, ये उस ज़माने का नहीं है। अभी उस ज़माने का यार वो बताओ कौन सा था, वो जो ऐसे ऐसे खुलने वाला था, उसमें टच भी होता था। E66 था शायद, E72 नहीं, E7। हाँ ये आ गया, नहीं लेकिन ये भी असल में काफ़ी नए ज़माने का फ़ोन है। तो इस तरह के फ़ोन उस वक्त ना आना शुरू हो गए थे। अच्छा, इन फ़ोनों के अंदर क्या प्रॉब्लम होती थी? इनके अंदर दो प्रॉब्लम होती थी। नंबर एक तो यार कि इतना बड़ा कीबोर्ड ना बहुत हैक्टिक होता था, फिर ज़ाहिर है जितने ज़्यादा बटन होते थे उतना ज़्यादा देख के उसको जो है ना वो करना पड़ता था। तो बटन बहुत ज़्यादा होना वॉज नॉट अ गुड थिंग। दूसरा ये कि इसके अंदर टच स्क्रीन होती थी, वो होती थी कचरा। ये एग्जैक्टली इस मॉडल की बात नहीं कर रहा, ये तो नया मॉडल है। ठीक है, जो वो ई सीरीज़ वाला जो था ना, तो उसके अंदर जो है ना, जैसे ये वाला जो इस ज़माने वाले फ़ोन की बात हो रही है, तो इसमें जो टच स्क्रीन थी ना, वो बिल्कुल ही कचरा थी। उसके अंदर वो पन्नी वाला टच होता था, यानी वो एक्चुअली टच स्क्रीन क्या होता था कि जो LCD है उसके ऊपर एक बारीक सी पन्नी होती थी, तो आप उसको स्टाइलस से टच करते थे, स्टाइलस से टच करते थे, जहाँ वो टच होता था ना, तो उस ग्रिड को वो समझता था कि अच्छा यहाँ पे एक टच हुआ है। अच्छा, तो उसके ऊपर यानी इस तरह का जो मेन मेन्यू है ना, इसको तो एक्सेस किया जा सकता था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो टाइप करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। आप इवन स्टाइलस से भी कोई बटन दबाते थे ना जब, तो आपका स्टाइलस कहीं और होता था, सम टाइम वो कहीं और टच हो जाता था, थोड़ा साइड पे हो जाता था। तो प्रिसिशन नाम की कोई चीज़ उसके अंदर नहीं थी। तो आईफोन 3 जब लॉन्च हुआ, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि एक तो फुल टच स्क्रीन कर दिया। उन्होंने बोला भाई कि हर ऐप के ना अपने बटन होते हैं। भाई आप म्यूज़िक प्लेयर खोल के बैठे हो, जैसे आपने कुछ इसमें देखा होगा ना एक दो में, कि वो दो साइड खुल रहा होता था, वो दो साइड खुल रहा होता था, उसमें म्यूज़िक प्लेयर का भी बटन होता था। इसमें अभी एक फ़ोन आया था दो डबल साइड खुलने वाला,
ये रहा, देख रहे हो ये एक तो ऊपर की तरफ स्लाइड होता था, ऊपर की तरफ स्लाइड होता था तो कुछ इस तरह का खुलता था ये, और ये नीचे भी स्लाइड होता था अपोजिट साइड, तो ऊपर से ये मीडिया प्लेयर के बटन निकल आते थे। फिर ये इतना बड़ा नेविगेशन बार, और फिर ये इतना इसके अंदर जो है ना कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है ना एक क्या कहते हैं कंट्रोल बटन्स जो थे, तो ये सारे। तो उन्होंने क्या बोला भाई कि यार हर ऐप के ना अपने बटन होते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ फ़ोन के नाम नहीं याद आ रहे, बड़े इंटरेस्टिंग फ़ोन है वो जो भी हैं सारे ना, तो वो टच भी होता है और वो। हाँ हाँ ब्लैकबेरी के भी फ़ोन्स बड़े उस वक्त चलते थे। असल में तो उस वक्त स्मार्टफोन तो ब्लैकबेरी के फ़ोन को बोलते थे ये। क्वालिटी फ़ोन, वो क्वालिटी कीबोर्ड वाले उनके फ़ोन आते थे आमतौर पर, तो इस तरह के फ़ोन होते थे ये। अब ये तो खैर नए वाले मॉडल वाले फ़ोन हैं, ठीक है। अच्छा उस वक्त एक और फ़ोन आते थे, HTC के फ़ोन आते थे। HTC के भी वो क्वालिटी वाले फ़ोन होते थे ये इस तरह के, जो असल में एंड्रॉयड का जो पहला वर्जन आया था ना वो इस फ़ोन के अंदर आता था पहला वर्जन। उस वक्त इनकी कोई HTC की कोई पार्टनरशिप थी गूगल के साथ, तो गूगल जो है ना अपने फ़ोन में डाल के जो है ना इनको देता था, ठीक है। इस तरह के इनके फ़ोन आते थे, तो इसको कहते थे ये स्मार्टफोन। अच्छा इनका जो टच स्क्रीन था ना वो निस्बतन बेहतर था ये नोकिया वालों और दूसरों वालों से, और ये ज़रा बाद में आए थे नोकिया वाले, ज़रा इससे और पहले के फ़ोन हैं वो वाले। अच्छा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता था सैम्बियन होता था नोकिया के अंदर, ये नो वो नहीं होता था एंड्रॉयड नहीं होता था, एंड्रॉयड फिर इसके अंदर आना शुरू हुआ, फिर इससे ऑनवर्ड्स वो चला। तो ये जो दो डेवलपमेंट हुई है ना मेजर, कि एक तो फुल स्क्रीन और दूसरा वो टच जो निकाला ना इन्होंने आईफोन वालों ने, वो था कैपेसिटिव टच। कैपेसिटिव टच में क्या होता था, पन्नी नहीं होती थी टच के ऊपर, आप जिधर टच करते थे ना तो वहीं पर वो टच होता था। अभी हमारे पास जितने भी स्मार्टफोन हैं वो मतलब चाइना वाले और ये सारे जो ओप्पो शाओमी वाओमी सब में, इवन आईफोन समेत, तो वो अभी तक वही वाली टेक्नोलॉजी अब कॉमन हो गई है, वो पन्नी वाला फिर फ़ौरन ही ख़त्म हो गया इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट हुई, नंबर एक कैपेसिटिव टच हो गया, एक्यूरेसी बेहतरीन हो गई। अभी आप देखें टच स्क्रीन में टाइप होता है ज़बरदस्त होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि टच कहीं किया और कहीं और निकल गया वो, या कभी भी ऐसा नहीं होता कि यार आप ना ऐसे ठोकना पड़ रहा है उसको दबाना पड़ रहा है वो, समटाइम उसमें टच क्योंकि पन्नी होती थी उसके नीचे जाहिर है वेयर टेयर आ जाता था, तो उसको ठोकना पड़ता था यूँ, सम कुछ जगहों से पन्नी वो दब जाती थी, वहाँ से वो चलना बंद हो जाती थी, तो वो कुछ जगहों पे वो काम करना छोड़ जाता। इस तरह का कोई मामला अब नहीं होता। कैपेसिटिव टच स्क्रीन आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करती है और उससे वो सेंस करती है कि कहाँ पे टच हुआ है, ठीक है। और जो फुल स्क्रीन इसी वजह से कैपेबल हुए वो कि फुल स्क्रीन कर पाते, वरना तो बटन अगर नहीं होता और टच भी बेकार होता तो फिर आवे का आवा बिगड़ जाता। तो उन्होंने बोला भाई जो भी ऐप खुलती है ना उसके अपने बटन होते हैं, जैसे अगर आईफोन के अंदर अगर मीडिया प्लेयर खुला हुआ है, iPhone 3 लिख देता हूँ ना मैं इसमें, 3 में तो मीडिया प्लेयर को बड़ा मार्केट करते थे ना वो, पता नहीं क्या नाम था उसका, iPhone 3GS। अब इसके अंदर कोई मीडिया प्लेयर वगैरह नहीं दिख रहा। उनका कहना ये था कि भाई जब मीडिया प्लेयर खुलेगा ना अगर, तो उसके अंदर प्ले पॉज का नेक्स्ट का प्रीवियस का बटन होगा, शफल का बटन होगा, शफल भी इन्होंने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया था। तो और अगर उसी की जगह कोई मैसेजिंग ऐप खुलेगी तो उसमें कीबोर्ड होगा पूरा, मतलब मीडिया प्लेयर में मुझे कीबोर्ड की तो ज़रूरत नहीं है ना, VLC प्लेयर में मुझे कीबोर्ड की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरी ऐप खुलेगी जैसे कि गूगल मैप वगैरह, तो उसके अपने कंट्रोल्स होते हैं, उसके अंदर एक बटन होता है कि जी अभी मतलब GPS के सेंटर पर आ जाओ अभी, है ना, कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ वो मुझे बताओ, बटन दबाओ बता देता है वो, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर ऊपर एक सर्च बार होता है, तो सर्च बार पर मैं क्लिक करता हूँ तो कीबोर्ड खुलता है, अदरवाइज़ मुझे कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है गूगल मैप चलाते हुए, ठीक है। इसी तरह मेरे पास क्लॉक की ऐप है, इसी तरह मेरे पास जो जो भी ऐप होगी ना उसके बटन्स कह रहा है, उन्होंने कहा कि यार अपने होंगे, और हर ऐप के अंदर मुझे इतना बड़ा कीबोर्ड नहीं चाहिए होता। तो बजाय वो फिज़िकल जो जगह कीबोर्ड घेर रहा होता था ना, ये वाला जो फिज़िकल जगह कीबोर्ड घेर रहा होता था उसको हटा के उन्होंने बोला यार स्क्रीन ही होगी इस जगह पे। तो कुछ ऐप्स में क्या होगा कि कीबोर्ड निकलेगा तो स्क्रीन साइज़ सेम हो जाएगा, जिसमें कीबोर्ड नहीं चाहिए उसमें स्क्रीन साइज़ फुल मिलेगा, ठीक है। मीडिया प्लेयर वगैरह के अंदर भी ज़रा फिर वीडियो पूरी स्क्रीन में चलती थी तो ज़रा एक अच्छा हो गया ये मार्केट में। तो ये होने की वजह से जो है ना, वापस हम इस बुक में आ जाते हैं, तो मैं ये बता रहा था कि ये वॉइस फर्स्ट क्या चीज़ है, तो वो पहले उसके लिए समझना पड़ेगा मोबाइल फर्स्ट क्या है। तो
जब इंटरनेट शुरू शुरू आया था तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए वेबसाइट बनती थी, लेकिन ये जब मेजर डेवलपमेंट्स हुई ना मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो लोगों ने मोबाइल ऐप्स तो बनना शुरू हो गई, लेकिन मोबाइल ऐप्स बनने के साथ साथ जो वेबसाइट के ऊपर आपका विजिटर आता था ना, वो अच्छा खासा तादाद आने लग गई मोबाइल फ़ोन से। अब मोबाइल फ़ोन पे आपने लिखा facebook.com तो खुलना तो चाहिए ना, ये तो ना हो ना कि खुले ही ना ब्रेक हो जाए। शुरू में ब्रेक हो जाता था वो पूरा, ठीक है। यानी जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये N70 के ज़माने में, ये इसी नोकिया के सेम्बियन के टाइम का ज़माना था, तो 7610 और N70 के ज़माने पे बहुत सारी वेबसाइट जब खोली जाती थी मोबाइल के ऊपर तो वो ब्रेक हो जाती थी, ठीक है। उसके लिए फिर वो एक टूल हम इस्तेमाल करते थे, ओपरा करके उन्होंने एक मोबाइल मोबाइल वेब निकाला हुआ था, पता नहीं क्या। तो वो एक्चुअली क्या करता था कि वेबसाइट को समझाता था कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो वो पूरी वेबसाइट ले आता था। फिर उसमें जूम करने का एक ऑप्शन होता था, तो जूम करके उस पूरी वेबसाइट में ना ऐसे यूँ घूमना पड़ता था। तो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ शुरू में नहीं होती थी वेबसाइट। ये N70 के जो ज़माने की बात है, शायद ये 2002 या 2003 की बात है, ठीक है। N70 अगर किसी ने नहीं देखा शक्ल, तो वो देख ले। सही है, इस तरह का एक फ़ोन होता था ये वाला फ़ोन मैंने यूज़ किया ख़ुद पर्सनली अपने, मुझे होश में ये याद है बात। और एक और फ़ोन होता था इसके अंदर 7610, ठीक है, ये इस तरह का फ़ोन होता था वो। तो मतलब बड़े अच्छे स्मार्टफोन थे उस ज़माने के अंदर ये, ठीक है। लेकिन ज़रा ये बजट वाली, ये दोनों फ़ोन ज़रा बजट वाले फ़ोन थे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी भाई स्टूडेंट था उस वक्त, वो बड़े वाले फुल स्मार्टफोन तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अच्छा, तो वो मोबाइल के ऊपर ना डिमांड आने लग गई कि यार ये वेबसाइट जो खुलती है ना, ये मोबाइल पे भी सही खुलनी चाहिए। ये नहीं हो कि यार मोबाइल पे नहीं खुल रही और सिर्फ कंप्यूटर पे खुल रही है। तो उसके लिए एक टर्म डिवाइस की गई कि मोबाइल फर्स्ट। तो जितनी भी वेबसाइट बनती थी ना, वो कहते थे यार मोबाइल फर्स्ट। क्यों? मोबाइल के ऊपर कन्वीनियंस इतना था और इतनी तेज़ी से यूज़र ग्रो कर रहा था, मोबाइल फ़ोन का यूज़र, स्मार्टफोन का जो जो मार्केट थी वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, कि आने वाले कुछ दिनों में क्या हुआ कि मोबाइल से आने वाला जो ट्रैफिक था ना, वो ज़्यादा हो गया और कंप्यूटर से आने वाला ट्रैफिक कम हो गया, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर, ये उस ज़माने की बात है जब कंप्यूटर इतने कन्वीनियंट नहीं होते थे। अब तो ये मसला है ना कि यार बैटरी वैटरी आप भूल जाओ, चार्जिंग वार्जिंग, ये मसले हल हो गए हैं कि जी जिस तरह मोबाइल फ़ोन आप जेब में डाल के पूरा दिन घूमते हो, इसी तरह आप लैपटॉप को भी पूरे दिन जेब में डाल के घूम सकते हो। अब तो अब हो गया वो जाके, यानी ये 2020 में हुआ है जाके कि जी लैपटॉप के अंदर 18 घंटे की बैटरी टाइमिंग आ गई है और आर्म वो ज़रा। लेकिन उस ज़माने की ये बात कर रहा हूँ कि जब लैपटॉप आधे घंटे चलते थे, और लैपटॉप तो होते भी नहीं थे पहली बात, लैपटॉप तो होते ही नहीं थे, बहुत कम लोग लैपटॉप लेते थे, क्योंकि वो उसको लेना नहीं लेना एक ही बात था, क्योंकि वो आधे घंटे बेचारे उसकी बैटरी चलती थी, तो उसको आधे घंटे के लिए क्या बंदा वो करेगा। तो लिहाजा ज़्यादातर बंदे ना डेस्कटॉप कंप्यूटर को प्रेफर करते थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर पावरफुल भी होते थे। अब मसला ये कि डेस्कटॉप कंप्यूटर तो पड़ा हुआ है घर पे, अब वहाँ जाएगा बैठेगा तो बंदा वेबसाइट खोलेगा, और मोबाइल फ़ोन उसकी जेब में पड़ा हुआ है, और 3G उस वक्त आ चुका था पूरी दुनिया में। ये हमारे पास बड़े देर में आया 3G, लेकिन उनके पास 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ तो 3G उस वक्त मौजूद था, उससे भी पहले 4G भी मौजूद था बाय द वे। जब N70 के ज़माने में भी N70 में 4G का ऑप्शन आ रहा होता था, हमारे यहाँ चलता नहीं था लेकिन आ रहा होता था, तो N70 के ज़माने में भी 4G मौजूद था। तो 4G लोगों के पास होता था, अब कितना महंगा था कितना सस्ता था वो बात अलग है, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि मोबाइल फ़ोन का यूज़र अच्छा खासा आने लग गया। तो वेबसाइट में वो बोलते थे यार मोबाइल फ़र्स्ट, तो उसके लिए बाकायदा बुक्स लिखी गई, बाकायदा फ्रेमवर्क्स को ऑप्टिमाइज़ किया गया कि जी अब जो जैसे बूट स्ट्रैप वगैरह, ये उसी ज़माने की पैदावार है, ठीक है। तो ये CSS के, तो वेबसाइट के अंदर ना ये डिमांड आ गई, तो ये मोबाइल फर्स्ट सब लोगों को समझ आ गया क्या चीज़ है। अच्छा, मोबाइल फर्स्ट आने के बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद, यानी आप समझ लें कि 2007 में या 8 में ही जो है ना, इन्होंने सीरी लॉन्च कर दिया जो आईफोन में ना। तो सीरी क्या था, वो वॉइस असिस्टेंट था, बंदे बात करते थे उससे, और ज़रा वो एक मतलब छोटी मोटी चीज़ें कर लेता था, टाइम वाइम पूछ लो उससे तो वो बता देता था। अच्छा, उसी को आगे बढ़ाते हुए 2014 या 15 में गालबन ये गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा आ गए। तो गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा आने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने अलाउ कर दिया कि जी ऐप्स भी आप बना सकते हैं अब अपनी इस इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना। अच्छा, फिर साथ साथ जो है वो API.AI के नाम से एक प्लेटफॉर्म था, जो चैट बॉट बनाने का प्लेटफॉर्म था, क्योंकि चैट बॉट बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। चैट बॉट सन 2001 में भी था,
जो याहू के मैसेंजर होते थे उस पर लोग चैट बॉट बनाते थे, वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए होता था। आप बात कर रहे थे, वो पीछे एक्चुअली चैट बॉट होता था, आपको नहीं पता होता था ये कौन बात कर रहा है, तो वो चैट बॉट बात करता था पीछे। तो वो चैट बॉट उस ज़माने में भी मौजूद था, ठीक है, लेकिन उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता था अनफॉर्चुनेटली। तो वो इन्होंने अलाउ कर दिया कि यार आप अपनी एप्लीकेशन भी बनाओ उस पर, अलेक्सा पे और गूगल असिस्टेंट के ऊपर अपनी एप्लीकेशन भी आप बनाओ। अच्छा, और साथ साथ फिर छोटे मोटे ये प्लेटफॉर्म भी उभर के आ गए, जैसे वो मैनी चैट वगैरह और बॉट्सीफाई और पता नहीं इस तरह के दो चार और भी आ गए। तो इससे क्या हुआ कि एक चैट बॉट की एक फ़िज़ा बनना शुरू हो गई। तो इन्होंने ये बुक में ना ये बात लिखी है कि यार इंट्रोडक्शन टू वॉइस फर्स्ट, ये इसने ये टर्म डिवाइस की है कि यार इन डिवाइसेस के लिए जो ऐप बनेगी ना, देखो अब क्या होता था, हम एक बिज़नेस के हिसाब से सोचो, आप एक बिज़नेस है, अभी इंटरनेट इमेजिन कर लो कि है ही नहीं, अब इंटरनेट आया और वेबसाइट का ज़माना आ गया, तो वेबसाइट उस बिज़नेस के लिए ज़रूरी हो गई। इस वक्त कोई ऐसा बिज़नेस जिसकी वेबसाइट ना हो उसको बिज़नेस मानने को कोई तैयार नहीं होता, है ना। इवन सैलानी एक एनजीओ है तो इसकी भी एक वेबसाइट है। तो कोई ऐसा बिज़नेस हो जो बंदा बोले यार मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है मेरी, और आप उससे बोलें कि यार वेबसाइट नहीं है इस बिज़नेस की, लेकिन तो वो बोलेगा यार ये कौन सा बिज़नेस है, ठीक है। तो वेबसाइट इज़ वाइटल फॉर एवरी बिज़नेस। अच्छा, उसके बाद जब मोबाइल ऐप आ गई तो कुछ बिज़नेसेस के जो यूज़ केस, अच्छा वेबसाइट को तो मोबाइल फर्स्ट करना ही करना है, जैसे भाई अगर कोई मिसाल के तौर पे सैलानी की वेबसाइट है जैसे, ठीक है, अब सैलानी की वेबसाइट आई एम नॉट श्योर कि मोबाइल पे वो किस तरह की खुलती है, मैंने कभी खोल के नहीं देखी, लेकिन सैलानी हो गया या कोई भी इस तरह का इदारा हो गया, कोई जूते बेचता है, बाटा या सर्विस है इनकी, कोई नाइकी वगैरह की कोई वेबसाइट है, तो वो नाइकी की वेबसाइट मोबाइल पर खुलनी चाहिए, क्योंकि परचेजिंग तो मोबाइल से ही होगा। बंदा रात को लेटे लेटे ही यार इस तरह की कीड़ा काटता है कि यार शूज़ एक होना चाहिए, नया मॉडल आ गया जॉर्डन का, बस हो जाए फिर सही है। तो $300-400 का फटका जो लगता है वो रात को इसी तरह लेटे लेटे ही लगता है, सही है ना। होश हवास दिन के टाइम तो बंदा इधर होश हवास में होता है ना तो वो नहीं होता। तो उनके लिए ये तो मैंडेटरी हो गया कि वो अपनी वेबसाइट को मोबाइल फर्स्ट करें। तो ये बिज़नेस के हिसाब से अभी मैं सोचना सिखा रहा हूँ आपको कि भाई बिज़नेस बोलेगा कि यार मेरी वेबसाइट मोबाइल पे और कंप्यूटर पे दोनों पे खुलनी चाहिए। अब एक ये नया स्पेस आ गया था मेरे पास गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा के तरफ से, जिसमें क्या हो गया जी कि ना वो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए पूरा स्टोर लॉन्च कर दिया गूगल असिस्टेंट ने, और अलेक्सा ने भी पूरा स्टोर लॉन्च कर दिया। उस पर क्या होता था, जिस बंदे की अलेक्सा की डिवाइस है वो उस स्टोर से ऐप्स इंस्टॉल करता था। तो बिजनेसेस ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारी वेबसाइट भी है और वो वेबसाइट हमारी मोबाइल पे भी खुल जाती है, या साथ में मोबाइल ऐप भी है, ये दोनों के साथ साथ हमें इस स्पेस में भी अपनी जगह चाहिए। तो छोटी मोटी बहुत सारी जो कंपनीज़ थी उन्होंने अपनी ऐप बना ली, बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनीज़ ने भी अपनी ऐप बना ली उसके अंदर, ठीक है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने उसके ऊपर अपनी ऐप बना ली कि जी वो आप बोलोगे वो न्यूज़ बताता था सामने से, ठीक है। मैकडोनल्ड KFC वगैरह ने भी बना लिया कि जी आप बोलोगे ऑर्डर हो जाएगा। तो ये सारा हो गया मामला। अच्छा, इस वक्त तक जो वॉइस फर्स्ट था ना वो एक छोटा चंक था मार्केट का, बहुत बड़ा चंक नहीं था, छोटा चंक इस सेंस में था कि यार गूगल असिस्टेंट की डिवाइस ना हर बंदे के पास नहीं थी, या अलेक्सा की डिवाइस हर बंदे के पास नहीं थी, ठीक है। तो वो जाहिर है जिसके पास डिवाइस ही नहीं है तो वो तो टारगेट मार्केट से वैसे ही आउट हो गया ना। लेकिन फिर गूगल ने क्या किया कि गूगल ने गूगल असिस्टेंट को, एक तो गूगल असिस्टेंट की डिवाइस आई ना, गूगल असिस्टेंट साथ साथ मोबाइल फ़ोन में भी आ गया, और इन्होंने बोला कि यार जितने भी फ़ोन है ना, ये गालबन इन्होंने जो इनका 5 वर्जन था Android 5 या 6 में ये इन्होंने किया, कि उन्होंने बोला कि यार गूगल पिक्सल के अंदर तो सब में दे दिया, फिर ये शायद 8 में या 9 में इन्होंने किया कि यार सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर ना वो सेम गूगल असिस्टेंट कर दिया इन्होंने। तो गूगल असिस्टेंट की टारगेट मार्केट को इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, जो इनके TV था गूगल का उसमें उसको ऐड कर दिया, इनका जो एंड्रॉयड का कार डैशबोर्ड था वो होता है ना मीडिया प्लेयर होता है कार में, जो उसके अंदर जो एंड्रॉयड वाले थे उसमें ऐड कर दिया गूगल असिस्टेंट को, ठीक है। इस तरह ये वॉच OS जो इनका है वेयरेबल्स, उसमें ऐड कर दिया गूगल असिस्टेंट को कि आप बटन दबाते हो आप बोलते हो वॉच जवाब देती है, ठीक है। तो इस तरह से उसको इंक्रीज करने की कोशिश की, लेकिन किसी हद तक ये नाकाम रहा, किसी हद तक नाकाम इस सेंस में रहा कि यार TV के आगे भी बंदा हर वक्त नहीं होता, और वॉच OS को भी इंटरनेट चाहिए होता है, समटाइम इंटरनेट नहीं मिल पाता उसको, वो बगैर इंटरनेट के ये काम नहीं करता। इसी तरह कार के अंदर भी, चलो कार की छोटी मोटी चीज़ें हो गई ना, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन हो गया, या कोई
मतलब कोई मैंने छोटे मोटे सवाल पूछ लिया, हेलो हाय कर लिया, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कार के अंदर बैठ के मैं नाइकी की ऐप इस्तेमाल करूँ जो बोल के बात करें, ये नहीं हो पाया। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका गूगल असिस्टेंट की जो डिवाइस थी इटसेल्फ, उसका भी मसला ये था कि वो घर पे पड़ी हुई है, वो जेब में तो है नहीं आपके, वो घर पे पड़ी हुई है कि आप कभी ड्राइंग रूम में आप बैठे हुए हो तो उससे आपने कोई हेलो हाय कर लिया, कोई ऐप उसमें आपने चला ली। फिर उसका ये था कि लर्निंग कर्व बड़ा ज़्यादा था एक आम बंदे के लिए ना, लर्निंग कर्व बड़ा ज़्यादा था। अब मिसाल के तौर पे आपने बोला उसको कि यार टॉक टू नाइकी, अब वो नाइकी की ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती थी और वो बात करती थी आपसे ना, तो सम टाइम एक ले मैन बंदा ना कन्फ्यूज़ हो जाता था, इवन मैं कन्फ्यूज़ हो जाता था कि यार ये कौन सी ऐप इंस्टॉल हुई है, ये क्या वही नाइकी है या कोई दूसरी नाइकी की ऐप तो नहीं है कहीं है। फिर उन्होंने लिहाजा ये किया कि रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया नाम के ऊपर। उन्होंने बोला भाई नाम आप रखोगे ना तो आप पूरी बिज़नेस वेरिफिकेशन होगी, फिर आप नाम रखोगे। ये मसला था ना यार कि नाइकी के नाम से मिलता जुलता किसी ने बना दिया, तो वो आप वो उसको यूज़ कर रहे हो आप नाइकी समझ के, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने कहा भाई वन वर्ड और टू वर्ड के जो नाम होंगे उसमें प्रॉपर बिज़नेस वेरिफिकेशन होगी, आप डोमेन हमें दिखाओगे बकायदा। गूगल वो कहता था कि आप हमारा एक डोमेन पे अपने जाके लगा दोगे, हम उसको चेक करेंगे कि ये डोमेन आपके ही किसी और के। तो वन वर्ड और टू वर्ड, मिसाल के तौर पर नाइकी इज़ वन वर्ड, या अगर मैं बोलूँ कि यार मिसाल के तौर पर ट्रीट मी, तो ट्रीट मी दो वर्ड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की कोई अगर ऐप है ना आपने टॉक टू ट्रीट मी, तो वो दो वर्ड पे भी करेगा। तीन वर्ड पे उन्होंने बोला कि यार चलो खैर है, तीन वर्ड की, तीन वर्ड में बड़ा मुश्किल है कि जो ना कोई बड़ा ब्रांड तीन वर्ड का नहीं होता आमतौर पर। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू की। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि गूगल असिस्टेंट के साथ साथ ये डायलॉग फ्लो जो था ना ये डेवलप होना शुरू हो गया, साथ साथ AI एज अ सर्विस के बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ गई ना, जैसे कि स्पीच API बड़ी पावरफुल हो गई, क्योंकि शुरू में स्पीच API किसी जगह यूज़ नहीं होती थी, उसका कोई अच्छा यूज़ केस नहीं था, तो लिहाजा उस पर कोई काम भी नहीं किया फिर लोगों ने। लेकिन जब ये इस तरह की चीज़ें आ गई ना कि जी ये तो चलो गूगल असिस्टेंट के डिवाइसेस के ऊपर ये होना शुरू हो गया, और गूगल असिस्टेंट की डिवाइस वाज स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ है ना। वैसे तो हम जो प्रेजेंटेशन जो शुरू में हुई थी हमारी, उसमें वाइम सलाम, उसमें हमने ये बात डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो फास्टेस्ट कंप्यूटर हो सकता है ना वो हो सकता है जिससे हम बात कर सकें, कि मैं बोलूं और वो जवाब दे मुझे, तो वो सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ कंप्यूटिंग होगा। लेकिन वो तो आइडियल केस है ना, अभी वो अचीव नहीं हुआ है, वो होगा समडे अचीव होगा, लेकिन वो अभी अचीव नहीं हुआ है। तो अभी की जो गूगल असिस्टेंट की और अलेक्सा की डिवाइसेज हैं इनको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो अब ये इस्तेमाल करना मुश्किल है, अभी हल कैसे हुआ, ये हल कैसे होगा, ये आगे किधर जा रहा है मसला? अब मसला इधर जा रहा है कि यार ह्यूमंस ना एक्चुअली ये इन्होंने वॉइस फर्स्ट बात तो कर दी है, लेकिन ह्यूमंस को असल में इसकी अभी आदत नहीं है कि कंप्यूटर से डायरेक्ट बोल के बात करें, समझ रहे हो ना। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मोबाइल ऐप के ऊपर हैं तो आप किसी भी पेज पे खड़े हुए हो, आपको ये बात पता होती है कि यहाँ पे एक बैक का बटन होगा, आपको ये बात पता होती है। ये कैसे पता लगी? ये ऐसे पता लगी कि यूज़ करते हैं हम, हमें आदत है उसकी। किसी भी पेज पे खड़े हैं हमें पता है बैक का बटन होगा, या वेब ब्राउज़र में खड़े हैं हमें पता है बैक और फॉरवर्ड होता है इसके अंदर, ठीक है, या रिफ़्रेश हो सकता है, कोई भी पेज को मैं रिफ़्रेश कर सकता हूँ। ये बात आपको कैसे पता लगी? ये ऐसे पता लगी कि आप यूज़ करते हैं। तो वॉइस वाली एप्लीकेशन के अंदर ना जो प्योर वॉइस है एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, उसमें ये वाला एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक हमारे पास। अब ये एक्सपीरियंस आएगा कैसे, ये ट्रांजिशन होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अल्टीमेटली मैंने भी ये चीज़ समझी और मार्केट ने भी इस चीज़ को समझा कि यार ये जो पूरा का पूरा जो वॉइस वाला है ना प्लेटफॉर्म, ये इस तरह से कामयाब नहीं होगा, इसको ना बीच में कोई इसके मस्ती करनी पड़ेगी ऐसी कि हाइब्रिड हो जाए, कि UI भी हो थोड़ा बहुत और साथ साथ वॉइस भी हो थोड़ा बहुत, और लेकिन हो वो वॉइस फर्स्ट, कि अगर UI की तरफ बंदा नहीं देख रहा है अगर और सिर्फ बोल रहा है तो उसको चलना चाहिए पूरे को, ठीक है। तो वॉइस फर्स्ट इज़ स्टिल रेलिवेंट, वॉइस फर्स्ट इररेलीवेंट नहीं हुआ। अच्छा, बावजूद इसके कि अलेक्सा के डिवाइसेज जो है वो उनका गेम ओवर हो चुका है अब, ठीक है, अलेक्सा के डिवाइसेज का गेम ओवर हो चुका है, गूगल की जो डिवाइसेज हैं गूगल असिस्टेंट की उनका भी गेम ओवर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब फ़ोन में एज अ असिस्टेंट वो मौजूद हैं, ठीक है, स्टिल वो रेलिवेंट है, फ़ोन में एज अ असिस्टेंट रेलिवेंट है, लेकिन ये लेकिन प्योरली चैट बॉट की एप्स उसके ऊपर लॉन्च करने के लिए ना अब वो रेलिवेंट नहीं रहा। अच्छा, अभी इन्होंने ये आखिरी सांस भरी है, एक जो होता है ना मतलब डूबते डूबते बंदा एक तिनका पकड़ता है, तो इन्होंने आखिरी सांस भरी है। अभी गूगल का इवेंट जो हुआ था, मैंने तो खुद नहीं देखा, मुझे वो लड़का बता रहा था कि उसमें उन्होंने गूगल असिस्टेंट के डिवाइस को बार्ड का एक्सेस दे दिया है, कि वो बार्ड में जो बातें कर सकता है बंदा वही सेम बात गूगल, वरना गूगल असिस्टेंट पहले इटसेल्फ उसका अपना इंटेलिजेंस था,
वो ये बार्ड और ओपन एआई वगैरह टाइप की चीज़ों से अटैच नहीं हुआ हुआ था। तो इन्होंने अभी बोला है कि यार आप जो गूगल असिस्टेंट की डिवाइस है ना, वो आप उससे आप कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी भी करवा सकते हो, और मतलब उससे आप जैसे बार्ड से बात करते हो वैसे बात कर सकते हो। अच्छा, लेकिन इसका यूज़ केस क्या है ये मेरे समझ नहीं आया अभी तक। तो स्टिल आई थिंक कि ये करने के बावजूद भी ना, गूगल असिस्टेंट की जो फिज़िकल डिवाइसेज हैं, इनका फ़िलहाल तो कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है ये 5 साल 6 साल बाद या 10 साल बाद दोबारा से रिवाइव हो जाए, जब लोगों को आदत हो जाए वॉइस फर्स्ट की, तो शायद फिर हमारा काम हो जाए। लेकिन जो एप्पल वाले स्मार्ट ग्लासेस, नहीं इस इवेंट में इन्होंने लाउंच किया ये। नहीं, एक तो इन्होंने काफ़ी पहले एक रेबैन के साथ कोई अनाउंसमेंट की थी, लेकिन वो आज तक आया नहीं, वो रिलीज़ नहीं हुआ। हाँ, इसको बताओ गूगल पे क्या लिखूँ मैं। हाँ भाई, ये वाला है। नहीं, आई थिंक के यार ये जो स्मार्ट ग्लास है ना, ये वाला जो है, ये जस्ट वो कैमरा वैमरा की हद तक है, और मतलब इसमें सिंपल एंड्रॉयड होगा एक्चुअली। और ये बोल भी नहीं, बोल तो नहीं रहा ये, इसमें कहीं स्पीकर नहीं दिख रहा मुझे, ये जस्ट कैमरा है आई थिंक। आर यू श्योर कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है? भाई इसका तो उसने कोई वो ही नहीं लगाया हुआ। ये मैं अगर क्लिक करके इसके अंदर जाऊं, नहीं ये इसका वो नहीं दिखा रहा ना, सॉरी कर रहा है ये असल में। अच्छा, मेटा ने तो अभी वो वीआर एक लॉन्च किया जो नया वाला। अच्छा, एआर ग्लास है। अच्छा, ये आ गया सितंबर 27, 2023। अच्छा, ये तो रीसेंट है, बिल्कुल लास्ट मंथ का ये माल है। अबे बस, तो नेक्स्ट जनरेशन बोल के चुप हो गई। ये अंदर क्या है इसके, ये नहीं बताया। चलो, कैमरा तो है, ठीक है। 36 आवर विद चार्जिंग और दिस दिस दिस, ये हो गया। लाइटर एंड कंफर्टेबल, ये हो गया। बस इसने कुछ इसमें ज़्यादा बात नहीं की इन्होंने कि है क्या। नहीं, विजन प्रो तो अलग ही माल है भाई। विजन प्रो में तो वो कह रहे हैं कि यार हम बंदों को पता है किस तरह देंगे वो वो कह रहे हैं कि भाई बंदा आएगा हमारे पास, हमारे एप्पल स्टोर पे, हम उसके आँखों की ना मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि हर बंदे का फेस कट अलग होता है ना, फेस का शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर बंदे का, कस्टम हर बंदे का कस्टम होगा वो। और वो एक्चुअली मॉड्यूलर है, जो आँखों से जो चीज़ टच हो रही है ना उसके, वो गोल सा एक उसमें आप समझ लो कि एक लेंस है, गोल सा एक वो ऑफसेट है। एक्चुअल ग्लास अलग है और वो छोटा सा लेंस दो आँखों का अलग है, तो वो मॉड्यूलर है कि अगर वही ग्लास किसी और बंदे ने यूज़ करना है ना, तो वो अपने नाप के वो दो लेंसेज बनवाएगा छोटे छोटे, और वो सेम ग्लास फिर वो भी यूज़ कर पाएगा। तो इस तरह से फिर, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यार हमारे पास जो ग्लास है ना, जब वो आपकी आंखों पे लगेगा तो बाहर की रोशनी बिल्कुल नहीं अंदर आनी चाहिए, बिल्कुल सील होना चाहिए वो साइडों से। तो अगर मिसाल के तौर पे आपने यूँ लगाया और आपका यहाँ पे आंखों के साथ खड्डा है अगर, तो वो उस खड्डे से रोशनी अंदर आ रही है तो गेम ओवर हो जाएगी फिर। उन्होंने कहा ये नहीं होने देंगे हम, उन्होंने कहा बिल्कुल सील होगा हर बंदे की आँख के हिसाब से। अच्छा, और जिन अब मैं ये सोच रहा था कि यार जो जैसे मैं ग्लासेस है मेरे, अब मैं वो कैसे यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं तो लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकता बगैर ग्लासेस के। अगर मैं लैपटॉप बगैर ग्लासेस के यूज़ करूँ या वैसे ही ग्लासेस उतार दूँ अगर मैं, तो फिर वो 1-2 घंटे में ज़रा सर में दर्द शुरू हो जाता है। यार आपके टीचर आ गए? आप लोगों के टीचर तो नहीं आए ना अभी? अच्छा,
तो मैं ये सोच रहा था कि वो एआर ग्लासेस ग्लासेस वाला बंदा कैसे यूज़ करेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई वो जो लेंस बनेगा ना, जो दो आँखों का छोटा छोटा, तो उसमें अगर किसी बंदे की आँखों में कोई प्रिस्क्रिप्शन है, नंबर की प्रिस्क्रिप्शन है कोई, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे। हाँ, उस लेंस के अंदर ही ऐड कर देंगे वो। तो वो मतलब जब बंदा वो लगाएगा ना, तो वो ग्लासेस व्लासेस की उसको फिर ज़रूरत नहीं होगी। यानी जो ग्लासेस वाला मसला है वो उन्होंने हल कर दिया है। तो ये चीज़ें ना इन्होंने कभी सोची भी नहीं है, मेटा वालों ने। तो मेटा जो चीज़ बना रहा है वो और चीज़ है, ये जो बना रहे हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और इन्होंने पूरा उसका जो ना थिंक थ्रो किया हुआ है शुरू से लेके आखिर तक। फिर इन्होंने बोला कि यार ये हम ऑल डे के लिए बना रहे हैं। मेटा वालों ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि ऑल डे के लिए। मेटा वाले बोलते हैं गेम खेलो और उतार के रख दो, 2 घंटे से ज़्यादा लगा ही नहीं सकते आप मेटा की डिवाइस। जो सब लोगों के टेस्टमोनीज जो है ना, जो इंटरनेट के ऊपर, वो कहते हैं यार बस 2 घंटे इनफ है, 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा है, आधे घंटे में ही आंखों में दर्द शुरू कर देता है। क्योंकि यार लाइट है ना बिल्कुल यहाँ है आपकी आंखों में। आप सोचो ना, यहाँ पे स्क्रीन इधर होती है। अभी पिछले वीक ये हुआ कि मेरा स्क्रीन टाइम ना मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, एक एक दिन में पता नहीं 6 6 7 7 घंटे मोबाइल का स्क्रीन टाइम आ रहा था। उसका रीज़न ये था कि जाहिर है मैं अभी ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ट्रैवल में अक्सर ये होता है बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो मैं मोबाइल पे वो लगा होता था ना, अब वो टिकटॉक की वीडियोस एडिट मार के अपलोड कर रहा हूँ, या जो भी मैं कर रहा हूँ, या इसके डॉक्यूमेंट वगैरह आपको पढ़ाने के लिए ये भी पढ़ रहा होता हूँ मैं। तो मैंने सारी वो वीडियोस ना इसमें रखी हुई होती हैं फ़ोन में ही अपने, कि मेरे पास इंटरनेट ना। अभी मैं रिसेंटली नेक्स्ट जेएस देख रहा था, तो नेक्स्ट जेएस की वो मोश की वीडियोज़ हैं वो सारी मैंने रखी हुई हैं इसके अंदर। तो मैं लगा के देख रहा होता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मेरा अभी जो अभी तबीयत ख़राब हुई है मेरी इस वीक में, जो ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं ले सका, वो यही हुआ था, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। अब पूरे दिन मेरे सर में दर्द रहा है, साथ में बुखार भी आ गया, तो वो स्क्रीन टाइम की वजह से था। मैंने देखा पिछले वीक का, वो खुद बताता है ना ये वेलबींग इसके अंदर लगा हुआ है वो आईफोन के अंदर। तो वो बताता है कि यार आपका ना ये बढ़ गया है, और इसको पता नहीं कम करो पता नहीं क्या। तो वो उसने बताया कि यार आपका स्क्रीन टाइम इस दफ़ा ना डेली का 8 घंटे था, पता नहीं इस तरह। नहीं, वो गलती से हो गया होगा किसी से। तो वेल क्या कह रहा था मैं यार, हाँ स्क्रीन टाइम का बता रहा था मैं। हाँ, तो वेल अल्टीमेटली बात हम ये कर रहे थे कि यार जो हमारे पास गूगल असिस्टेंट की और एलेक्सा की जो डिवाइसेज है ना, वो अल्टीमेटली क्या हो गई हैं, अब वो फेलियर की तरफ जा रही हैं। अच्छा, लेकिन साथ साथ एक और काम हो गया बड़ा ज़बरदस्त। ये जब गूगल असिस्टेंट की डिवाइसेज आई, या इवन उससे भी पहले, क्योंकि एपीआई ओपन, ये जो ना API.AI, ये तो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था शायद 2013 या 14 में। फिर बाद में उसको गूगल ने एक्वायर कर लिया, इसका नाम चेंज करके डायलॉग फ्लो कर दिया। डायलॉग फ्लो फिर उन्होंने उसको अपने प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर लिया। फिर उसके बाद डायलॉग फ्लो का V2 अनाउंस किया उन्होंने। V2 बड़ा फेमस हुआ, ठीक है, क्योंकि V2 में अच्छी खासी इंटीग्रेशन वगैरह इन्होंने कर दी अपने प्लेटफॉर्म के साथ ना, ऐसे उसको टाइटली कपल्ड कर दिया। अच्छा, और उसके बाद अब जो हमारे पास जो है ना डायलॉग फ्लो V3 जो आ गया, ये एक पूरी जर्नी चली है। तो ये साइड में ना, ये साथ साथ ये भी चीज़ चल रही थी। एक तो डिवाइसेस वॉइस फर्स्ट वाली चल रही थी, साथ साथ ये हो रहा था कि वेबसाइट के ऊपर लोग ऐसे चैटबॉट लगाना शुरू हो गए थे, एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे, जो विजुअल भी हों, यानी लिखा हुआ भी, लिख के भी आप उससे बात कर सकते हैं और बोल के भी बात कर सकते हैं आप उससे। तो ये वाला जो पार्ट है ना, कि वेबसाइट के ऊपर या मोबाइल ऐप के ऊपर जो चैटबॉट लगा हुआ है और वो दिख भी रहा है और बोल भी रहा है वो, तो हम उसके ऊपर अभी फोकस करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इन चीज़ें ना वो वाली है। अच्छा, गूगल असिस्टेंट को इस कोर्स से मैंने फारिग कर दिया, और अलेक्सा को भी फारिग कर दिया, ये दोनों अभी इस वक्त हमारे काम के नहीं है। अच्छा, किसी ने अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, लेकिन इस वक्त ही किसी काम के नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने, जो नया नया जब आता है ना, लोग हाइप बनती है, लोग ऐप्स बनवाते हैं, वो हाइप भी ख़त्म हो गई है और यूज़ केस कोई नहीं है इस वक्त। तो हम इस वक्त जो इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, वो हम वेब के ऊपर चैटबॉट लगाना सीखेंगे। अच्छा, किसी को अगर मोबाइल ऐप आती है, जैसे कि फ्लटर वगैरह कोई आता है किसी को, तो उस पर भी हम इसको लगा सकते हैं, सेम तरीके से लगता है। ठीक है, जस्ट रेस्ट API की कम्युनिकेशन है। तो हम वेब के ऊपर लगाना सीखेंगे, और उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम वॉइस फर्स्ट को प्रेफर करें ना। तो वॉइस फर्स्ट में क्या होगा कि यार वैसे तो दिख रहा है, लेकिन अगर बंदा बगैर देखे भी उसको बात कर रहा है ना, सिर्फ बोल रहा है और स्क्रीन पर नहीं देख रहा अगर, तो भी वो चलना चाहिए। वॉइस फर्स्ट का मतलब ये है। अच्छा, और एक और मैं क्या बात करने लगा था, हाँ नंबर 2, हम इसको जो, एक तो वेब हो गया, नंबर 2 हम जो फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सोशल प्लेटफॉर्म जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, स्लैक और इस तरह के जो SMS और कॉल, ठीक है, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि
क्योंकि इसके ऊपर भी ट्रैफिक अच्छा खासा है। व्हाट्सएप के ऊपर जो लगे हुए चैट बॉट हैं उसके अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक है इस वक्त, ठीक है। व्हाट्सएप स्टिल अपने आप को अभी अलाइन कर रहा है, ओरिएंटेशन अपनी सेट कर रहा है कि उसने कहाँ स्टैंड करना है। शुरू शुरू में उन्होंने जो API लॉन्च की थी उसकी वो फीस इतनी ज़्यादा रखी थी कि लोग सुन के ही उड़ के गिरते थे नीचे। जब उनको बताओ ना कि यार पर मैसेज आपको पड़ेगा पता नहीं 2 सेंट का, तो वो उड़ के गिरते, वो कहते हैं यार ये तो SMS से भी महंगा है, टेक्स्ट मैसेजेस से भी ज़्यादा महंगा है। यार महंगा तो होगा भाई, नई टेक्नोलॉजी है। तो अब उन्होंने जाके ना कुछ अपने प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए हैं। शुरू में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी थी कि दिन में 10 मैसेज से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, जो यानी व्हाट्सएप के ऊपर लगा हुआ चैट बॉट है ना, दिन में 10 मैसेज से ज़्यादा आप यूज़र को भेज नहीं सकते, ठीक है। हाँ यूज़र बात करेगा तो जवाब दे सकते हो। तो इस तरह की उन्होंने रिस्ट्रिक्शन शुरू में लगाई हुई थी, अभी भी कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं, लेकिन स्टिल अपने आप को व्हाट्सएप का जो बिज़नेस API है वो अपने आप को ओरिएंट कर चुका है ऑलमोस्ट कि उसने कहाँ स्टैंड करना है, और बिजनेसेस जो हैं वो सारे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने ये किया है कि यार आप एक मैसेज करते हो ना किसी यूज़र को, तो अगले 24 घंटे की विंडो ओपन हो जाती है। अब उस अगले 24 घंटे में जितनी भी बातचीत होगी उसके कोई पैसे नहीं है, एक दफ़ा पैसे काटता है वो, जो जैसे 24 घंटे ख़त्म होंगे फिर उसके बाद एक दफ़ा और वो पैसे कटेंगे, ठीक है। तो बंदा पूरे दिन पूरी रात भी बात करता रहा तो वो फ्री हो गया व्हाट्सएप की बिज़नेस API के अंदर, ठीक है। तो हमने नंबर एक वेबसाइट के ऊपर फोकस करना है, वॉइस फर्स्ट। अच्छा, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑन अदर हैंड जो है ना वॉइस फर्स्ट हो नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर में सिर्फ लिख के बात होती है, बोल के बात नहीं होती। अच्छा, वो वॉइस नोट इज़ अ डिफरेंट थिंग ना, या हम मे भी ये कर सकते हैं कि वॉइस नोट को हम पीछे ट्रांसक्राइब मारें और दोबारा ऑडियो बना के भेज दें, ये भी कर सकते हैं, बट ये वॉइस फर्स्ट की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, वॉइस फर्स्ट की डेफिनेशन क्या है वो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम ख़त्म हो गया, ज़रा कॉन्टेक्स्ट बनाने बनाने में टाइम हमारा ख़त्म हो गया। तो जो है ना ये वॉइस फर्स्ट की डेफिनेशन क्या है, तो सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना आमतौर पर वॉइस फर्स्ट फिलहाल हो नहीं सकता, किसी ने सपोर्ट इस चीज़ की नहीं दी हुई है कि जी जैसे अब व्हाट्सएप पे मैसेज आया पड़ा हुआ बजा, मैंने उसको वापस पलट के जवाब दिया, तो ये सीन अभी ऑफ है। ऐसा ही है ना, मुझे खोलना पड़ता है मैसेज को प्ले का बटन दबाता हूँ तो वो चलता है, और फिर प्ले का बटन दबा के चलता है, फिर जब मुझे जवाब देना है तो मैं फिर एक बटन को होल्ड करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ, फिर जवाब जाता है, ठीक है। उसमें भी मतलब ये है कि यार कुछ में होल्ड करने का तरीका अलग है, कुछ में अलग है, पता नहीं जो फेसबुक वाला जो होल्ड वाला है वो पता नहीं ये अजीब ही वाहियात है, अगर उसको दबा के रखो ना 1-1.5 मिनट का मैसेज करो तो पता नहीं 30-35 सेकंड में वो स्क्रीन की लाइट ऑफ कर देता है, और वो पूरा रिकॉर्ड भी नहीं होता, मैसेज ज़ाया हो जाता है। मतलब इस तरह के उन्होंने किए हैं, अभी पता नहीं क्यों नहीं इसको इम्प्रूव करते ये। तो वॉइस फर्स्ट जो है ना सोशल प्लेटफॉर्म में इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो सोशल प्लेटफॉर्म पर हम सिंपल करेंगे टेक्स्ट वाला, और रिच रिस्पॉन्सेज सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हो गए तो उसको फोकस करेंगे। तो ये दो हमारा एरिया होगा जिसको हम मेनली देख रहे होंगे, एक वेबसाइट वाला, दूसरा सोशल प्लेटफॉर्म्स वाला, ठीक है। गूगल असिस्टेंट वगैरह के डिवाइसों को अभी हमने हटा दिए। अच्छा, फिर वॉइस फर्स्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। और उसके बाद हमने ये डिज़ाइन एस्पेक्ट जो है ना इसका, वॉइस एप्लीकेशन का, ये पढ़ना है हमने कि यार डिज़ाइन में इसकी क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एक वेबसाइट के जो डिज़ाइन में उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो सर्च बार है तो ये जी राइट पे होना चाहिए या मिडल में होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो लोगो है वो आमतौर पर टॉप लेफ्ट के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो वो कुछ डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं जो हमारे पास वेब में होती हैं, तो वही हमारे पास जो है ना वॉइस के अंदर भी हैं। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़नी हैं, उसके बाद वापस हम कोडिंग पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट वीक।